हेलो स्टूडेंट्स हमने फार्मेकोथेरापेटिक के सेकंड चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम नाउ वी विल स्टार्ट थर्ड चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ अ बायोलॉजिकल सिस्टम इन विच वी स्टडी अबाउट द ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर यूजिंग फॉर गैसियस एक्सचेंज जो ऑर्गन्स और जो स्ट्रक्चर्स गैसियस एक्सचेंज के लिए यूज़ होते हैं बॉडी में लाइक like नोज लंग्स एल्वेलाइज ब्रोंकाइज ब्रोंकिल्स वो सब ऑर्गन्स की स्टडीज़ हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में करते हैं लेकिन हमें इनकी डिजीज़ के बारे में स्टडीज़ करनी है मीन्स इन ऑर्गन्स में प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होना या इनमें कोई डिजीज का होना हम उसकी स्टडी करेंगे फार्मेको थेरापेटिक्स में तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व है उनमें कौन कौन सी डिजीज़ होती है उनकी स्टडीज़ हम इस थर्ड चैप्टर में करेंगे फर्स्ट डिजीज़ है एस्थमा। एस्थमा एज वी नो दैट डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग जब हम बोलते हैं कि किसी को ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी है या सांस लेने में प्रॉब्लम है तो उसे हम एस्थमा कहते हैं ओके okay? तो वैसे ही हम एस्थमा को अगर डिफाइन करेंगे तो एस्थमा इज अ कंडीशन इन विच इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग इन रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स लाइक ब्रोंक्योल्स ब्रोंकाइज एल्वेलाइज मैं अभी आपको बताऊंगी कौन कहाँ पे प्रेजेंट है तो डेफिनेशन की बात करें तो एस्थमा इज ए कंडीशन इन विच स्वेलिंग इन्फ्लामेशन एंड एक्सेस म्यूकस सिक्रेशन इन रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट दैट कॉज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हम लंग्स की अगर बात करें तो जैसे ये स्ट्रक्चर मैंने बनाई है लंग्स की ये थोड़ा रॉ डायग्राम है यहाँ से यहाँ से स्टार्ट होता है ब्रीदिंग का ब्रीदिंग इन होती है हमारी लंग्स के अंदर ये है ब्रोंकाइज ये जो बड़ा स्पेस है इसको बोलते हैं ब्रोंकाई और फिर इनसे कनेक्टेड होते हैं ब्रोंकिल्स और इनसे आगे कनेक्ट होते हैं एल्वेलाइज ठीक है नॉर्मल रेस्पायरेटरी सिस्टम में ब्रीदिंग नॉर्मल रेस्पायरेटरी सिस्टम में गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो एकदम नॉर्मल होता है यानी इनको जितना पैसेज चाहिए एयर्स को इन, इन होने के लिए और आउट होने के लिए उतना पैसेज मिलता है लेकिन एस्थमेटिक कंडीशन में जो म्यूकस सीक्रेशन है इन वॉल्स के अंदर वो एक्सेस हो जाता है और ये जो स्पेस है वो नैरो हो जाता है ठीक है तो ये नैरो स्पेस की वजह से नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं हो पाती और शॉर्टनेस होती है ब्रीदिंग की शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग मीन्स हम जो नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं उसमें हम डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं लेकिन एस्मेटिक पेशेंट उनकी सांस बहुत छोटी छोटी होती है वो बहुत ही कम उनकी ब्रीदिंग की जो रेट होती है वो बहुत कम हो जाती है ठीक है तो एस्थमा की डेफिनेशन क्या हो गई एक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज जिसके अंदर इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग की वजह से जो पैसेज है वो नैरो हो जाते हैं म्यूकस का सीक्रेशन बढ़ जाता है और उसकी वजह से ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है तो मैंने आपको बताया डेफिनेशन में कि एयरवेज बिकम नैरो एंड स्वेल इन्फ्लैम्ड एंड म्यूकस सीक्रेशन इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से जो स्पेस है एयरवेज में वो हो जाता है कम अगर हम बात करें तो नॉर्मल एयरवे का जो ल्यूमेन है वो इस तरह से होता है जिसमें नॉर्मल क्वांटिटी में म्यूकस प्रेजेंट होता है ओके okay, मैं जो रिपीटेडली बोल रही हूँ म्यूकस म्यूकस क्या होता है म्यूकस इज ए जिलेटिनियस स्लिपरी प्रोडक्ट विच इज़ कंपाउंडेड 95 परसेंट वाटर एंड 5 परसेंट प्रोटीन्स लिपिड्स डीएनए ये प्रेजेंट होता है इसके अंदर इनका काम क्या होता है ये जो फ्रिक्शन होता है एयर्स जब हमारी बॉडी में आती है तो ये हमारी बॉडी में एयर्स के फ्रिक्शन को कम करता है यानी लंग्स में जब एयर आएगी तो उससे उनकी जो लंग्स की वॉल है उनको कोई हार्म नहीं हो उस पर कोई ऐसा इस तरह से यहाँ पे म्यूकस सीक्रेट होता है वॉल्स के ऊपर जिससे क्या होता है कि एयर्स जब अंदर आती है तो इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं हो ठीक है वो स्मूथली अंदर आ सके और स्मूथली बाहर जा सके यानी गैसेस एक्स, एक्सचेंज स्मूथली हो सके तो जो नॉर्मल ह्यूमेन है उसका स्ट्रक्चर अगर अपन बनाए तो उसमें इतना नॉर्मल क्वांटिटी में म्यूकस होता है लेकिन एस्थमेटिक पेशेंट के अंदर ये म्यूकस कि क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है और स्पेस हो जाता है कम और इससे भी ज्यादा अगर जो स्मूथ मसल्स है ब्रॉक्यल्स मसल्स है वो भी इन्फ्लैम्ड हो गई और म्यूकस भी एक्सिस में सीक्रेट हो गया तो ये होल और भी ज्यादा छोटा हो जाता है और इस पर बोलते हैं एस्मेटिक अटैक कंडीशन ठीक है ये तो नॉर्मल ल्यूमेन है ये एस्मेटिक ल्यूमेन है और ये एस्मेटिक अटैक कंडीशन है ठीक है तो अगर हम ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकाइस के इस तरह की स्पेस की बात करें और यहाँ म्यूकस सीक्रेशन इंक्रीज हो गया जिसकी वजह से पैसेज क्या हो गया नैरो ठीक है तो ये है एस्मेटिक की नॉर्मल कंडीशन तो एस्मा की डेफिनेशन क्या हो गई एस्थमा इज ए कंडीशन इन विच अ परसनस एयरवेज बिकम इनफ्लैम्ड नैरो एंड स्वेल प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस एंड दैट कॉज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ओके ये डेफिनेशन नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एस्थमा मीन्स सिम्टम्स क्या क्या है एस्थमा के एस्थमा में नॉर्मल जो एलर्जी कंडीशन होती है उसमें हमने देखा कि छींक आती है वीजिंग कंडीशन आपने सुना है कभी वीजिंग का मतलब होता है स्नीजिंग तो छींक आना और वीजिंग का मतलब होता है कि जो ब्रीदिंग इन और आउट करते हैं तो उससे वॉइस जनरेट होती है बॉडी में आपने ओल्डर्स को देखा होगा जो ओल्ड एज के जो लोग होते हैं उनको सांस लेने में आवाज़ आती है उनकी बॉडी से तो ये साउंड है वीजिंग का जो एस्मेटिक पेशेंट को ब्रीदिंग इन और आउट करने में होता है तो वीजिंग स्नीजिंग कफ स्वेटिंग पसीना आना चेस्ट पेन और एलर्जिक कंडीशन जो एस्मा पेशेंट होता है उसको किसी भी चीज़ से एलर्जी जल्दी होती है यानी उनको कोल्ड या फीवर होने के चांसेस नॉर्मल पेशेंट से ओ नॉर्मल ह्यूमन से जल्दी होते हैं ठीक है तो एलर्जिक कंडीशंस भी इसमें ज़्यादा होती है चेस्ट पेन हो गया और चेस्ट टाइटनिंग ये कंडीशन है ऐसमा के सिम्टम्स की और डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग तो नॉर्मल है ही यानी आस्मा के सिम्टम्स में किसी भी एलर्जन की वजह से किसी भी एलर्जी कंडीशन की वजह से उनको ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं वो ओके okay? तो ये है ऐस्मा के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस नाउ काजेज ऑफ अस्थमा कौन कौन से रीजंस है जिससे आस्थमा होता है एलर्जी की बात की और मैंने बोला कि रेस्पायरेटरी ट्रैक डिजीज है यानी रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है तो हम नॉर्मल कॉमन सेंस से ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें रेस्पायरेशन में प्रॉब्लम होती है स्मोक डस्ट ये सबके नॉर्मल दिमाग में यही चीज़ आती है ठीक है तो वैसे ही हम कॉजेज की बात करें तो एलर्जेंस में हम ले सकते हैं स्मोक्स डस्ट पल्यूटेंट्स एनिमल डेंडर्स और पोलन ग्रेन्स जो फ्लावर्स के ऊपर पोलन ग्रेन्स होते हैं वो और फ्यूम्स हो गया है। और किसी किसी को आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे जो जैसे वेदर्स चेंज होते हैं एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो वहाँ पे भी उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है तो ऐसमा के कॉज़ में एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन भी आती है एलर्जेंस आते हैं पल्यूटेंट्स आते हैं एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन और एक इमोशनल स्ट्रेस भी आस्मा का रीज़न हो सकता है जो बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेस्ड होते हैं पर्सन उनके अंदर भी एस्मा के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनकी नॉर्मल ब्रीदिंग अफेक्ट होती है इस स्ट्रेस की वजह से इमोशनल स्ट्रेस और हाँ कुछ ड्रग्स के भी एग्जाम्पल्स है जो एस्मा को कॉज करते हैं जैसे एनएसएआईडीज़ और एस्पिरिन ये दो ड्रग है जो एस्तमा कॉज करते हैं यानी अगर आपको एनएसए आई डीज की पेन किलर्स की जरूरत पड़ी या फिर आपने एस्पिरिन यूज़ की तो आपको हो सकता है कि साइड इफ़ेक्ट आपको एस्तमा कंडीशन हो सकती है ठीक है तो ये थे कॉजिज किसके एस्तमा के नाउ ईटियोपैथोजिज ऑफ एस्तमा अब ईटियोपैथोजेनेसिज ऑफ एस्तमा में बेसिकली टाइप्स ऑफ एस्तमा थ्री टाइप्स के होते हैं एक्सट्रेंसिक इंट्रेंसिक और मिक्स्ड ऐस्तमा एक्सट्रेंसिक एस्तमा में क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया पॉल्यूटेंट्स एलर्जेंस जिनकी वजह से ऐसमा कॉज होता है वो एक्सट्रेंसिक आस्मा है यानी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से एस्तमा होना इंट्रेंसिक ऐस्मा वो होता है जब एज के बाद में जैसे 40 प्लस जो एज वाले लोग हैं उनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक हो जाता है और उनको एलर्जेंस बहुत आसानी से अफेक्ट करते हैं और उनका पैरासिम्पैथैटिक और सिंपैथैटिक नर्वस सिस्टम वो इम्बेलेंस हो जाता है वर्क करना तो उससे कॉज होता है इंट्रेंसिक आस्मा मिक्सड ऐस्मा जिसमें दोनों ही रीजन्स हो सकते हैं एक्सट्रेंसिक भी हो सकता है और इंट्रेंसिक भी हो सकता है दैट कॉल मिक्सड ऐस्मा इसके अलावा अक्यूट और क्रॉनिक अस्थमा भी होता है अक्यूट अस्थमा मीन्स जिन्हें अस्थमा है नहीं लेकिन कभी कभी ऐसे कंडीशंस की वजह से थोड़े फी थोड़े से अस्थमा के सिम्टम्स दिखाई देते हैं यानी उनको एलर्जिक कंडीशंस किसी स्पेसिफिक कंडीशन में उनको एलर्जी होती है तो उसमें अस्थमा के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो उसे एक्यूट अस्थमा कहते हैं लेकिन क्रॉनिक अस्थमा जिनको लंबे टाइम से अस्थमा की प्रॉब्लम है ठीक है तो एक्यूट और क्रॉनिक भी अस्थमा के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग टाइप्स है और इसके अलावा एटियोपैथोजेनिस में हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एस्तमा यानी आस्मा का जो रीज़न है क्या एक्चुअली मैंने आपको स्टार्टिंग में जो डायग्राम से बताया था जो स्मूथ मसल्स होती है जो एयरवेज की स्मूथ मसल्स होती है उनमें एक सेल प्रेजेंट होती है मास्ट सेल ठीक है यहाँ मास्ट सेल प्रेजेंट होती है और मास्ट सेल के ऊपर पाई जाती है आईजीई एंटीबॉडी ठीक है इम्यूनोग्लोबिन ई -E, ये एंटीबॉडी पाई जाती है इस पर जब एलर्जेंस जो मैंने आपको बताया कि पोल्यूशन, स्मोक या फिर फ्यूम्स एलिमन एनिमल डेंड्रेंट्स ये जब एलर्जेंस इसके आई के कॉन्टैक्ट में आते हैं इन्हें हम स्टेमुलाई कहते हैं स्टिमुलाई इसलिए क्योंकि ये इसको स्टिमुलेट करते हैं किसी भी चीज़ को ट्रिगर करने वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम स्टिमुलाइज कहते हैं तो यहाँ पे स्टिमुलाई कौन है पल्यूटेंट्स जो हमने बताया था आपको डस्ट पार्टिकल्स ठीक है तो ये स्टिमूलाइज जब आई के कांटेक्ट में आते हैं और कैसे आएंगे जब हम एयर को हमारी बॉडी में इंटेक करते हैं तो जो एयर के साथ में डस्ट पार्टिकल्स बॉडी में एंटर होंगे तो वो स्मूथ मसल्स की वॉल में आई पे कनेक्ट होंगे इन पे आके बाइंड हो जाएंगे जिसे हम बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग जब ये इन पर आके बाइंड होंगे तो उससे मास्ट सेल हो जाएगी एक्टिवेट क्या हो जाएगी एक्टिवेट अब मास्ट सेल के एक्टिवेट होने से क्या प्रॉब्लम है मास्ट सेल एक्टिवेट होती है तो वो एस्तमा के जो मीडिएटर्स है जो एस्तमा के कॉज करने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको सीक्रेट करना स्टार्ट करती है वो कौन कौन से हो सकते हैं वो होते हैं ल्यूकोट्रीन्स हिस्टामीन्स प्रोस्टाग्लैंड एंड अदर जो इसको एस्टमा के मीडिएटर्स हैं जो एस्टमा को कॉज करते हैं तो मास्ट सेल इनका सीक्रेशन स्टार्ट कर देगी और ये जो कंपाउंड्स हैं ये जाके ब्रॉन्क ब्रॉकियल मसल्स के अंदर म्यूकस को सीक्रेट करना स्टार्ट कर देंगे और इनकी वजह से थिक म्यूकस प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा मैंने आपको बताया म्यूकस नॉर्मल क्वान्टिटी में तो चलेगा लेकिन म्यूकस अगर बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो गया तो वो जो पैसेज है इनको क्या बना देगा नैरो तो ये जो मीडिएटर्स है ये यहाँ म्यूकस को ज़्यादा सीक्रेट करा देते हैं थिक म्यूकस प्रोडक्ट थिक म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं और जो वॉल्स है वो भी क्या हो जाती है इन्फ्लेम्ड स्वेल जिसकी वजह से ये जो नॉर्मल पैसेज है वो नैरो हो जाता है ठीक है तो ये थी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एस्तमा समझ में आया सबसे पहले जो डस्ट पार्टिकल्स और जो भी स्टिमुलाइज़ है जिन्हें हम एनिमल डैंडर्स पॉल्यूशंस जो भी हम ले सकते हैं वो एयर के साथ में बॉडी में आएंगे और मास्ट सेल जो स्मूथ मसल्स की वॉल पे प्रेजेंट है जिसके ऊपर आईजीई एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है उसके साथ एंटीजन एंटीबॉडी बॉन्ड बनाएंगे और उसकी वजह से मास्ट सेल क्या हो जाएगी एक्टिवेट और वो एक्टिवेट होकर मीडिएटर्स को सीक्रेट करेगी ल्यूकोट्रीन हिस्टामिन प्रोस्टाग्लैंडिन और ये मीडिएटर्स कॉज करते हैं एस्तमा कैसे कॉज करेंगे ब्रॉन्केल कॉन्स्ट्रिक्शन कर देंगे म्यूकस बहुत ज़्यादा सीक्रेट होगा और जो मसल्स होगी स्मूथ मसल्स वो हो जाएगी इनफ्लैम्ड तो जिससे नैरो हो जाएंगे एयरवेज और एस्तमा की प्रॉब्लम कॉज होगी ठीक है ये थी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एस्तमा नाउ ट्रीटमेंट ऑफ एस्तमा ट्रीटमेंट ऑफ एस्मा में नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है जैसे मैंने आपको बाकी डिजीज में बताया था नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिन्हें हम नॉर्मल लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करके ट्रीट कर सकते हैं डिजीज़ को जैसे एक्सरसाइजेज हो सकती है या फिर जो पर्टिकुलर रीजन है उस डिजीज़ को कॉज करने का उन रीजन्स को हम रोक सकते हैं जैसे यहाँ पे हम नॉन फार्माकोलॉजिकल रीजन्स के अंदर एलर्जन के एक्सपोजर से अपने आप को कम कर सकते हैं यानी ऐसे जो एलर्जन है जिनके कांटेक्ट में हम ना आए जो एस्तमा कॉज करते हैं उनसे हम ऐस्तमा से बच सकते हैं रेगुलर एक्सरसाइज जिससे हम ब्रीदिंग कैपेसिटी को इनक्रीज कर सकते हैं स्मोकिंग को अवॉइड करके स्मोकिंग सिगरेट इन सब को अवॉइड करके और जो मैंने आपको जितने भी कॉजेज बताए थे जैसे एक्सट्रीम कोल्ड ज़्यादा कोल्ड होना यानी जब टेम्परेचर बहुत कम है बहुत ज़्यादा सर्दी है उस कंडीशन में अपने आप को प्रोटेक्ट करके हम एस्थमा से बच सकते हैं इसके बाद फार्माकोलॉजिकल रीजंस, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं मेडिसिन का तो यहाँ पर कौन कौन सी एंटी एस्थमेटिक मेडिसिन को हम यूज़ करते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में फर्स्ट है ब्रॉकी्यो डाइलेटर्स ब्रॉन्कीयोडाइलेटर्स में एग्जाम्पल है सालब्यूटामॉल और टर्ब्यूटालीन ब्रोंक्टर्स क्या करते हैं ब्रॉन्कीटर्स डायलेट करते हैं वैसल्स को यानी जो नैरो पैसेज हमें मिल रहा है जो म्यूकस एक्सट्रीम सीक्रेट होने की वजह से पैसेज नैरो हो गए हैं ये उन्हें डायलेट करते हैं जिसकी वजह से एयर गैसेज एक्सचेंज ईजीली हो सके ब्रॉक्यो डायलेटर्स बहुत ही रैपिडली ओपन करते हैं नैरो पैसेज को वाइडली ओपन कर देते हैं रैपिडली जिसकी वजह से एयर गैसेस का एक्सचेंज ईजीली होता है ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट इसमें एग्जाम्पल है ल्यूकास्ट और जफिर ल्यूकास्ट ल्यूकास्ट और जफिर ल्यूकास्ट एग्जाम्पल किसके हैं ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट के ल्यूकोट्रीन जो मैंने अभी बताया कि जो मास्ट सेल मीडिएटर सीक्रेट करती है ल्यूकोट्रीन हिस्टामिन वो क्या करते हैं एस्मा कॉज करते हैं म्यूकस का सीक्रेशन इंक्रीज कर देते हैं इन्फ्लामेशन कर देते हैं उनके अंदर एयरवेज के अंदर तो ये ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट इन ल्यूकोट्रीन के इफेक्ट को कम कर देते हैं जिसकी वजह से जो मास्ट सेल ने मीडिएटर्स जो सीक्रेट किए हैं वो अपना इफेक्ट नहीं शो कर पाते मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स अब हमने मास्ट सेल पे ही वर्क करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि सारे जो भी प्रॉब्लम है उसकी जड़ कौन है मास्ट सेल और वो क्या कर रही है मीडिएटर सीक्रेट कर रही है ल्यूकोट्रीन हिस्टामीन्स तो हमने मास्ट सेल को स्टेबलाइज कर दिया और उसके एग्जाम्पल है कीटो टिफिन ये ड्रग यूज होती है मास्ट सेल को स्टेबलाइज करने में फोर्थ है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं म्यूकस सीक्रेशन को कम करते हैं जो म्यूकस सीक्रेट हो रहा है एयरवेज के अंदर उसको ये कम कर देते हैं तो ऐसे वर्क करते हैं एंटी एस्मेटिक ड्रग्स ब्रॉन्लेटर्स ल्यूकोटिन एंटागोनिस्ट मास्ट सेल स्टेबिलाईजर्स एंड कार्टिकोस्टेरॉइड ये थे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा ओके अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सीओपीडी थैंक यू